सुबह के 6:15 बज चुके हैं। हमारी टीम्स लगातार जो है ना ये एसी मरी और मैं रोड्स के ऊपर मौजूद हैं, एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। बर्फबारी जो है ना 3 फुट से ज्यादा हो चुकी है और दर्जनों के हिसाब से दरख्त जो है ना रोड के ऊपर गिरे हुए हैं। तमाम तर महकमे इस वक्त फुली तौर पर मुतहरक हैं सेहों की जो है ना उनका एवैक्यूएट करने के लिए, उनको रेस्क्यू करके शहर से बाहर निकालने के लिए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने किसी तौर पर भी जो है ना वो पैनिक नहीं क्रिएट करना। पूरी मरी इंतजामिया, पूरी रावलपिंडी की इंतजामिया इस वक्त मरी में मौजूद है ताकि जल्द अज जल्द हम लोगों को अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर सकें। इस वक्त बर्फबारी के हालात ये हैं कि 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है और मशीनरी भी जो है ना वो काम एक हद तक कर सकती है। दरख्तों के गिरने की वजह से हमें मुश्किलात पेश है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लियर कर लें। मैं आगे इसी हिसाब से बताता हूँ तो वो क्या कहते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शहरी जो बार बार पूछ रहे हैं कि वो उन्होंने मरी आना है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो बिल्कुल अभी जो है वो मरी ना आए जब तक तमाम गाड़ियां यहाँ से निकलती नहीं है और जो है रोड्स क्लियर नहीं होती। और जो हमारे यहाँ पे शहरी जो मुश्किल में फंसे हुए हैं, हम उनके बिल्कुल साथ हैं। हम इस वक्त भी उनके साथ हेल्प कर रहे हैं और हमारे फोन नंबर दिए गए हैं। किसी को कोई मुश्किल है, कोई फूड चाहिए, कोई क्लोथिंग्स चाहिए, वो हमें फोन कर सकते हैं और हम जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से इवैक्यूएट कर दें। बहुत शुक्रिया आपका।